स्टूडेंट्स वेलकम टू लेक्चर नंबर ट्वेंटी मैं सर डॉ कृष्ण कुमार वर्मा एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउटो एंड टर्बिडीमीट्री सो जब भी कोई इलेक्ट्रो मैग्नेटिक लाइट कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेंथ या रेडिएशन एयर में से ट्रांसफर करती है ट्रैवल करती है सो so, एयर के अंदर ऑलरेडी मीडिया में uh, कुछ गैसेज प्रेजेंट हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जिनकी हमेशा चलती रहती है और उसकी वजह से एक ऑक्सीटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी अवेलेबल रहती है तो जब भी वो फोटोन्स लाइट के जो हैं वैन दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू दैट मीडिया और द फेज तो कुछ फोटोन ऐसे होते हैं दे कैन मे दे मे गेट अब्जॉर्ब और उसके बाद दे कॉज द स्कैटरिंग तो यानी कि जो एयर के अंदर जो गैसियस मॉलिक्यूल uh, है जो पार्टिकल्स हैं या किसी भी मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंडेड पार्टिकल या मीडियम में या इलेक्ट्रॉन्स का जो फील्ड है दैट मे कॉज द स्केटरिंग ऑफ द फोटोन्स कमिंग इन देयर वे और वो जो स्कैटरिंग होगी दिस कैन बी इन ऑल और द मल्टीपल डायरेक्शंस तो ये जो पर्टिकुलर फेनोमेना है दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज ए रेलिग स्केटरिंग तो दिस इज कॉल्ड एज ए रेलिग स्केटरिंग सो रेलिक जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया था या फिनोमेना एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई फोटोन वैन एनी फोटोन आर ट्रांसमिटेड थ्रू दिज मोलिक्यूल दैन सम फोटोन गेट एब्जॉर्ब्ड बट दैन रिट्रांसमिटेड इन द मल्टीपल डायरेक्शंस बाय द एयर मॉलिक्यूल एंड दिस री ट्रांसमिशन इन द मल्टीपल डायरेक्शन इज एक्चुअली कॉल्ड एज ए रेलिग स्केटरिंग और ये जो रेलिंग स्केटरिंग है दिस स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द लाइट कि जो लाइट स्कैटर हो रही है दैट इज़ इन्वर्सली पोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेव लेंथ सो दिस इंटेंसिटी ऑफ द स्केटर्ड लाइट इज इन्वर्सली पोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेव लेंथ तो यानी कि वेव लेंथ की जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी उसके फोर्थ पावर के इन्वर्सली पोर्शन होगी इंटेंसिटी ऑफ द स्केटर्ड लाइट तो यानी कि वेवलेंथ जितनी स्मॉल होगी तो वेवलेंथ जो है इफ वेवलेंथ इज स्मॉलर तो इन दिस केस स्कैटरिंग जो होगी दैट विल बी लार्ज और हाई बिकॉज वेवलेंथ एंड स्कैटरिंग आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इच अदर टू वेरी लार्ज एक्सटेंट तो इसीलिए जो स्मॉल वेवलेंथ होती है जो छोटी वेवलेंथ होती हैं वो जनरली ज़्यादा स्कैटर होती हैं और जो लॉन्ग वेब लेंथ होती हैं वो कम स्कैटर होती हैं एंड उन्होंने इसी आ, को बेसिस बना के एक्सप्लेन किया था कि वाई स्काई इज़ ब्लू तो हमें जो आसमान नीला दिखता है वो क्यों दिखता है उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि जो विजिबल लाइट जो आ रही है सन से वाइट लाइट जो आ रही है दैट हैज़ ऑल द इंडिविजुअल वेब लेंथ ऑफ द वेब ग्योर जिसमें जो ब्लू है दैट इज हैविंग ए शॉर्ट वेब लेंथ एंड जो है जो रेड है हमारी दैट इज हैविंग अ लॉन्ग वेव लेंथ तो शॉर्ट वेव लेंथ वाली जो ब्लू लाइट है दैट इज स्कैटर्ड मोर इन दी एटमोस्फियर जिसकी वजह से आसमान हमको नीला दिखता है सो इन केस ऑफ अ शॉर्टर वेव लेंथ लाइट इज मोर लाइकली टू बी स्कैटर्ड इन कंपेरिजन टू दी लॉन्गर वेव लेंथ सो नेफ्लोमीट्री ट्रबी के ऊपर अगर हम आए अब तो ये दोनों टेक्निक जो हैं दे आर रिलेटेड टू द कलरीमीट्री एंड आर जनरली बेस्ड अपॉन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द नॉन ट्रांसपेरेंट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ सॉल्यूशन तो दिस इज रिलेटेड टेक्निक टू द रेलेग स्कैटरिंग जो हमने अभी डिस्कस किया तो नेफलोमीट्री टबिडीमीट्री जो टेक्निक्स हैं दे आर रिलेटेड टू द कलरीमीट्री बट स्टिल देयर इज अ Uh, scattering observed due to the suspended particle in the solution or vogel scattering hogi how it this uh, uh, affects the uh, determination of the sample molecule that we are going to discuss in these two techniques which is a nephilometry and turbidimetry up they came first of all we start uh, discussing about the nephilometry. so in this case the light passes through the sample solution having the suspended particles and the amount of radiation स्कैटर्ड बाई द पार्टिकल इज मेजर्ड एट द राइट एंगल टू द इंसीडेंट बीम तो जो स्केटरिंग होगी वो हमेशा हम ऑब्जर्व करते हैं नेफिलोमीट्री के अंदर सो स्केटर्ड लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी अगर आपको ये पता लगाना है तो फॉर देट केस वी विल यूज द नेफिलोमीट्रिक डिटर्मिनेशन और जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड लाइट की दैट इज जनरली कैलकुलेटेड और कंपेयर्ड एज ए फंक्शन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन तो जितने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी सस्पेंडेड पार्टिकल के आपके सोल्यूशन में और ये एक्सपेक्टेड है कि उतनी ही ज़्यादा स्केटरिंग भी आपको देखने को मिल सकती है तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो लाइट सोर्स है लाइट सोर्स से लाइट निकलेगी दैट विल गो टू दैंपल सेल और सैंपल सेल के नाइन्टी डिग्री एंगल पे वी विल यूज़ दी डिटेक्टर तो यहाँ पे जो एक खास इम्पोर्टेंट फीचर है आपको जो पहचान करनी है याद रखना है कि जब भी आप नेफ्लोमेट्रिक डिटर्मिनेशनस करते हो तो उसके अंदर सोर्स और डिटेक्टर जो होगा इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर रिलेशनशिप होना चाहिए तो डिटे तो जो डिटेक्टर दिटेक, है दैट शुड भी प्रजेंट एट ए राइट एंगल्स ऑन दी अदर हैंड जो दूसरी टेक्निक है हमारी टर्बिडीमीट्री इन दिस केस वी आर नॉट कैलकुलेटिंग दी स्कैटर्ड लाइट हेयर तो यहाँ पे हमारे को क्या करना है कि जो भी आपकी इंसिडेंट लाइट आपके सैंपल के ऊपर स्ट्राइक हो रही है तो उसके बाद जो भी इंसिडेंट लाइट का लॉस हो रहा है चाहे वो ऑब्जॉर्बन की वजह से है या वो स्कैटरिंग की वजह से है उसके बाद जो ट्रांसमिटेड लाइट निकल के बाहर आएगी दैट ट्रांसमिटेड लाइट विल बी डिटरमाइंड तो उस केस में हमको ये नहीं देखना है कि जो पर स्कैटरिंग के प्रपोर्शन कितने हैं तो इस केस में हमको ये पता लगाना है कि हाउ मच द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट हैज बिन डिक्रीज तो इन दिस केस द अरेंजमेंट वुड बी क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द दलरिमेटिक डिटर्मिनेशन तो उसमें जो लाइट सोर्स है और जो डिटेक्टर है वो आपका एक ही एक्सिस पे रहेगा ये एक कॉमन डिस्टिंग फीचर है दोनों टेक्निक के बीच में जो नेफेलोमीट्री है उसमें डिटेक्टर इज जनरली सिचुएटेड एट द राइट एंगल्स टू दोर्स वेयर एज इन केस ऑफ टबिडीमीट्री दे आर इन द सेम प्लेन सो द क्वेश्चन इज कि वट इज हाउ यू विल चूज कि वट टाइप ऑफ टेक्निक और वट टाइप ऑफ मैथड यू शुड यूज फॉर दोर डिटर्मिनेशन तो द चॉइस बिटवीन द एंड द नेफ्लोमीट्री जनरली डिपेंड अपॉन दी अमाउंट ऑफ द स्कैटरिंग तो अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटरिंग जो हो रही है सस्पेंडेड पार्टिकल्स के द्वारा उस पर वो डिपेंड करेगा तो वैन यू हैव अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग सो यू शुड देन चूज द ट्रबिडीमेट्रिक मेथड्स तो नेफ्लोमीट्री इज जनरली मोस्ट सूटेड वैन दस्पेंशन इज द लेस डेंस एंड डिक्रीज इन द पावर ऑफ द इंसीडेंट लाइट इज स्मॉल तो जब स्कैटरिंग लेस होगी जब लेस स्कैटरिंग होगी या कहना चाहिए कि लो कंसनट्रेशन होंगी जब सोल्यूशंस की तो उस केस में सस्पेंडेड पार्टिकल अगर लेस कंसनट्रेशन में होंगे तो यू शुड यूज दी नेफ्लोमीट्री अदरवाइज हाई डेंस अगर आपका मीडिया है और स्कैटरिंग जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंट पे हो रही है लार्ज एक्सटेंट पे हो रही है तो इन दैट केस यू कैन यूज़ दी टी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसट्रेशन सो इन दी दैफलोमीट्री द सस्पेंडेड पार्टिकल्स शुड बी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ क्योंकि जब पार्टिकल साइज़ बढ़ता है तो दैट विल ऑल्सो इंक्रीज द रिफ्लेक्शंस तो रिफ्लेक्शंस की वजह से भी लाइट की जो इंटेंसिटी का लॉस देखने को मिल सकता है तो स्कैटरिंग कब ज़्यादा होगी जब पार्टिकल साइज़ भी आपका कम होगा तो इसीलिए शॉर्टर वेव लेंथ लेस डेंस मीडिया है तो स्कैटरिंग विल बी गुड इनफ जिसको आप आसानी से डिटरमाइन कर सकते हो तो नेफ्लोमीटरी वुड बी द गुड चॉइस स्मॉलर पार्टिकल्स अंडर गो स्कैटरिंग टू गिव राइज टू देंडरी रेडिएशंस एंड जिसको हम डिटेक्ट करते हैं नाइन्टी डिग्री पे जहाँ पर हमारा डिटेक्टर प्लेस किया जाता है तो ऑप्टीम पार्टिकल साइज फॉर नेफ्लोमीट्री इज रिकमेंडेड टू पॉइंट जीरो पॉइंट वन टू वन माइक्रो मीटर बट ऑन द अदर हैंड इन टर्बिडीमीट्री द पार्टिकल्स लार्जर देन द वेव लेंथ ऑफ लाइट जनरली डो नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम बिकॉज इन दैट केस मेजरमेंट डिपेंड अपॉन द टोटल रेडिएशन रिमूव्ड फ्रॉम द प्राइमरी इंसिडेंट बीम रिस्पेक्टिव ऑफ द मैकेनिज्म एंड द एंगल एट विच इट इज रिमूव्ड तो जो भी इंटेंसिटी का लॉस हो रहा है हमें सिर्फ वही देखना है कि हाउ मच इंटेंसिटी इज बींग लॉस्ड अब लॉस्ट होने के पीछे का जो मैकेनिज्म है वी आर नॉट बॉर्दर्ड अबाउट इट चाहे वो ऑब्जॉर्बन की वजह से हो रहा है या रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है या स्कैटरिंग की वजह से हो रहा है तो ट्रबिडिटी मीट्री में हम सिर्फ ये देखते हैं कि इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी से ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी में कितना लॉस हो रहा है सो so, उसी को हम कंपेयर करते हैं तो लार्जर पार्टिकल्स जो होते हैं वो जनरली डेविएशन ज़्यादा कर सकते हैं तो इसलिए ट्रबिडी के अंदर उनको हम डिटेक्ट करते हैं तो नेफिली में हम क्या करेंगे जो लेस डेंस मीडिया होगा पार्टिकल साइज स्मॉलर होगा लेस स्कैटरिंग हो वहाँ पे आप नेफ्लोमेट्री को चूज करेंगे जहाँ पे स्कैटरिंग ज़्यादा हो जिसको आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकें प्लस पार्टिकल साइज ज़्यादा हो प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिस मीडिया जो है आपका सस्पेंशन मीडिया बहुत ज़्यादा डेंस है तो उस केस में आप टर्बिडी का इस्तेमाल कर सकते हैं सो नेक्स्ट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेजरमेंट्स तो अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि टर्बिडीमीट्रिक और नेफ्लोमेट्रिक डिटर्मिनेशनस को अफेक्ट कर सकते हैं सो द फर्स्ट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन सो जैसे हमने बीयर्स लॉ के अंदर भी पहले कई बार डिस्कस किया है कि अब्जॉपशंस जो भी होता है दैट इज़ प्रपोर्शन टू द कॉन्सेंट्रेशन तो हेयर ऑल्सो द लॉस ऑफ द इंटेंसिटी जो है नेफ्लोमीट्री में जो है हम देखते हैं कि स्कैटरिंग को और टर्बिडीमीट्री में हम मेजर करते हैं टर्बिडेंस को तो अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन तो जो टर्बिडेंस है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सनट्रेशन तो कॉन्सन्ट्रेशन जो है अगर ज़्यादा होगा तो टर्बिडेंस जो है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि जितनी कॉन्सनट्रेशन ज़्यादा होगी लाइट का लॉस उतना ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से जो ट्रांसमिटेड बीम की इंटेंसिटी होगा उसमें डिक्रीज ज़्यादा देखने को मिलेगा तो टर्बिडेंस जो है इसीलिए वो कोरिलेटेड होता है आपका कॉन्सनट्रेशन के साथ

सो इसीलिए नेफ्लोमीट्री के अंदर जो स्कैटरिंग इंटेंसिटी है आई एस जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द कॉन्सनट्रेशन तो कॉन्सेंट्रेशन जितनी पार्टिकल्स की ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपको स्कैटरिंग देखने को मिलेगा एंड जिसकी वजह से जो स्कैटर्ड लाइट का इंटेंसिटी होगा वो भी वैरी करेगा एज़ पर दी कॉन्सेंट्रेशन तो चाहे आप टर्बिडिट्री मेट की बात करें या आप नेफ्लोमेट्रिक डटर्मिनेशन की बात करें बोथ दिज फिन जनरली डायरेक्टली कोरलेट विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इसके अलावा जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है पार्टिकल जोमेट्री तो जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग है दैट इज प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द पार्टिकल तो जितना रेडियस बड़ा होगा पार्टिकल का उतनी ही ज़्यादा स्कैटरिंग भी देखने को मिलेगी लॉसेज देखने को मिलेंगे तो पार्टिकल साइज़ को और पार्टिकल शेप को कंट्रोल करने के लिए सैंपल solu, सॉल्यूशन को और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हमेशा आइडेंटिकल कंडीशंस में ही प्रिपेयर करने की सलाह दी जाती है रिकमेंड किया जाता है तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट uh, रेकमेंडेशंस हैं जो आप फॉलो कर सकते हो कि फॉलोइंग केयर मस्ट बी टेकन नंबर वन इज़ दी कंसनट्रेशन ऑफ द टू आयन फॉर्मिंग पी जो दो आयस पीपीटी या प्रेसिपिटेट बना रहे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को मॉनिटर आपको केयरफुली करना चाहिए प्लस रेशोस जो है कॉन्सेंट्रेशन की वो आपको मॉनिटर करनी है केयरफुली। ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्रेसिपिटेट एंड टेम्परेचर एट विच प्रिपेयर। सो दीज आर थिंग्स यू शुड टेक केयर ऑफ प्रिपेयरिंग दी दस्पेंशन इसके अलावा वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट विच इज अ थर्ड फीचर और थर्ड फैक्टर वेवलेंथ लेंथ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे अभी हमने देखा रेलिक लॉ के हिसाब से कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ तो जितना वेवलेंथ आपकी स्मॉलर होगी तो स्कैटरिंग जो होगी उतनी उसकी ज्यादा होगी यही हमने देखा था कि जब हमने स्काइज ब्लू वाला रीजन डिस्कस किया था तो द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट सो द शॉर्टर वेव आर स्कैटर्ड मोर इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंसिस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है जब ये गैप आपके दो अलग अलग मीडियम में जितना ज़्यादा होगा तो अप्रिशिएबल डिफरेंस होना चाहिए दोनों मीडियम के बीच में तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आर जनरली ऑप्टेंड वेन देयर इज़ अप्रिशियेबल डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बिटवीन द पार्टिकल एंड इट्स मीडियम सो दिस कैन बी ऑल्टर बाय चेंजिंग द सॉल्वेंट एंड इसके अलावा लास्ट एंड द फाइनल वन इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन कि जो लाइट स्कैटरिंग है जो डिक्रीज हो रही है तो लाइट स्कैटरिंग डिक्रीज बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट स्कैटरिंग पार्टिकल टू द डिटेक्टर तो जितना आप दूरी से ऑब्जर्व करेंगे उतना स्कैटरिंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी तो इसीलिए जो स्कैटरिंग है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ़ द रेडियस स्क्वायर ऑफ़ द डिस्टेंस सॉरी तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा मतलब जितनी दूर से आप उसको ऑब्जर्व करोगे उतनी ही आपको स्कैटरिंग जो होगी वो लेस देखने को मिलेगी अब इंस्ट्रूमेंटेशन के पर्पज से अगर हम बात करें कि आप किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को इसमें यूज कर सकते हो फॉर द डिटर्मिनेशन तो सबसे पहले तो एक कॉमन बेसिक कलरी मीटर्स हैं जो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हो फॉर ट्रबिडीडी डिटर्मिनेशन जिसमें आप पार ट्रबिडी मीटर है डोबॉस कलरी मीटर है दे कैन बी इजली यूजड इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक कलरी मीटर हैं उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर टर्बिडीमेट्रिक डिटर्मिनेशन तो जब भी आपको ऐसे डिटर्मिनेशन करेंगे जस्ट मेक श्योर टू प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड करव और कैलिब्रेशन कर्व बाई यूजिंग द डिफरेंट स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन और फिर उसके बाद आप अन की डिटर्मिनेशन करके उसकी कॉन्सेंट्रेशन को पता लगा सकते हो सो दिस इज दंस्ट्रक्शन डायग्राम फॉर द डबॉस कलरी मीटर जो कि जनरली कलर कंपेरिजन के लिए और टबिडी मीटरी कंपेरिजन के लिए डिटमाइंड uh, किया जाता है यूज़ किया जाता है तो इसके अंदर जो है दो ग्लास ट्यूब्स होंगी जो कि ग्रेजुएटेड हैं इनके ऊपर मार्किंग होती हैं इसके अंदर uh, दो प्लंगर्स हैं ये प्लंगर्स जो है प्लंजर्स ये एक तरफ आपका होगा, होगा टेस्ट और एक तरफ होगा आपका स्टैंडर्ड दोनों में रहेगा और ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे है एक आई पीस देखने के लिए तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये है कि दोनों को इक्वल लेवल पे दोनों ट्यूब्स को फिल कर दिया जाएगा एक बार टेस्ट से और एक बार दोनों को स्टैंडर्ड से तो एक ट्यूब में टेस्ट होगा और एक ट्यूब में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा उसके बाद ये फिल करने से पहले जो प्लंगर्स होंगे वो टोटली आपके बॉटम साइड पे होंगे तो यानी ये ट्यूब है तो ये जो है आपका प्लंगर ये बॉटम साइड पे होगा और तब इसको आप फिल करेंगे और फिल करने के बाद जो टेस्ट है और स्टैंडर्ड दो हैं तो स्टैंडर्ड वाला जो है सबसे पहले इसको प्लंगर को उठा के लगभग टेन एमएम से लेकर ट्वेंटी एमएम की हाइट तक इसको आप मूव करेंगे और इसको हम नाम देते हैं टू और इसके बाद फिर आप जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसके ट्यूब के अंदर जो आपने प्लंगर डाला हुआ है उसको आप ऊपर घुमाएंगे विद दी हेल्प ऑफ अ लीवर रोटेट करके जैसे माइक्रोस्कोपिक लीवर होता है उसी तरह से उसको रोटेट रोते, रोटेट किया जाएगा और उसको ऊपर उठाया जाएगा लिफ्ट किया जाएगा तो उसको लिफ्ट आपको तब तक करना है जब तक कि आई पीस पे दोनों तरह का जो व्यू है वो सेम ना हो जाए तो जब आई पीस पे दोनों तरह का व्यू आपको सेम मिलने लगेगा सेम लाइट देखने को मिलेगी तो तब तक आपको टेस्ट वाला जो प्लंगर है उसको अपलिफ्ट करना है ऊपर उठाना है और उस पॉइंट पे आपको जो डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया वो मेज़र करना है जो कि होगा एलवन तो इस तरह से आपको दो डिस्टेंसेज मिलेंगे एक होगा डिस्टेंस ऑफ द स्टैंडर्ड एक होगा डिस्टेंस ऑफ द पाथ ऑफ द टेस्ट और एक होगा कंसनट्रेशन ऑफ द टेस्ट एक होगा कंसनट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड और इस तरह से आप सिंपल कोरिलेशन से C1 L1 एल वन इज इक्वल टू सी टू एल टू इक्वेशन को यूज करके यू कैन इजिली डिटरमाइन द कंसनट्रेशन ऑफ द अननोन विच इज योर C2 तो C2 अगर कंसेंट्रेशन है अननोन की तो C1 वन इज कंसनट्रेशन नोन की L1 जो है दिस इज स्टैंडर्ड लेंथ और L2 जो है दिस इज दी टेस्ट सॉल्यूशन लेंथ इस तरह से आप आसानी से सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं अब जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसमें हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर वो एक पर्टिकुलरली फोर थाउजेंड यूनिट का कॉन्सेंट्रेशन का वो होना चाहिए तो एन टी यू इज़ नेफ्लोटर्बिडीमेट्रिक यूनिट तो इट इज़ अ फोर थाउजेंड तो 4000 थाउजेंड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा एक सस्पेंशन प्रिपेयर करना होगा जिसमें आपको 5 ग्राम लेना है हाइड्रोजीनियम सल्फेट पचास ग्राम लेना है टेट्रामीन इन वन क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ डिस्टिल वाटर और उसको मिक्स करने के बाद अड़तालीस घंटे के लिए छोड़ दिया जाएगा तो ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ टाइम ये दोनों रिएक्टेंट्स जो है आपस में रिएक्ट करेंगे एंड दे विल मेक अ फॉर्माजीन और ये जो फॉर्माजीन है दैट विल मेक द सॉल्यूशन टर्बिड तो फॉर्माजीन की वजह से सॉल्यूशन में जो टर्बिडिटी आएगी दैट टर्बिडिटी विल बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ट्रबीडिटी जिससे आप अपने सैंपल की ट्रबिडिटी को फिर बाद में कंपेयर करेंगे इन दिस ट्रबिडी और कलरीमीट्री सो दिस इज दी कंस्ट्रक्शन ऑफ दी नेफेलोमीटर जिसमें ऊपर वही सेम आई पीस है अंदर एक सैंपल uh, ट्यूब है जिसमें सैंपल को फिल किया जाएगा और नीचे की तरफ से हम इसमें से लाइट को अलाउ करते हैं तो so, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिफ्लेक्टर तो so, जो रिफ्लेक्टर है वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इट इज जनरली मेड टू कलेक्ट लाइट स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन टर्बिड और क्लाउडी सोल्यूशन दिस इज दर्किंग फॉर दिस नेफ्लोमीटर। तो इस तरह से आप uh, देख सकते हैं कि ये हमारा लाइट सोर्स है लाइट सोर्स से जो लाइट ट्रेवल करेगी दैट विल्पल सेल अब सैंपल सेल के अंदर यहां पे आप देखोगे तो दिस इज़ द फोटो सेल डिटेक्टर दिस इज अ डिटेक्टर और फाइनली जो डिटेक्टर से जो रीडिंग आएगी दैट विल बी टेकन अप बाय द आउटपुट रीडर जो भी आपको इसमें यूज़ किया होगा आपने तो इसी के साथ ही इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन भी होता है जिसको हम बोलते हैं डू मॉडल 430 थर्टी टबिडी मीटर तो इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके अंदर दो तरह के डिटेक्टर्स होते हैं दो डिटेक्टर इस्तेमाल करते हैं एक 90 डिग्री पे और एक 180 डिग्री पे तो जो स्ट्रेट लाइट लैम्प के सीधी में जो सीधी लाइन में जो डिटेक्टर है दैट इज़ यूज फॉर टबिडी मेट्रिक डिटर्मिनेशन और जो 90 डिग्री अरेंजमेंट पे डिटेक्टर है दैट कैन बी यूज्ड फॉर नेफ्लोमेट्रिक डिटमिनेशन तो इस तरह से नेफ्लोमीटर और डबिडी के जो है डिटर्मिनेशन आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कर सकते हो तो आइदर यू कैन यूज दिस कैलिब्रेशन कर मेथड और यू कैन डायरेक्टली इफ यू आर यूजिंग द डबॉस कैलडीमीटर तो सी वन एल वन इज टू सी टू एल टू के इक्वेशन यूज करके आप अनो की कंसल्ट्रेशन को पता लगा सकते हैं तो आफ्टर दिस इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट देन फाइनली वी आर मूविंग टू द एप्लीकेशंस

सिट्रस जूसेस जो हैं आपके उनकी क्लैरिटी का जो है वो चेक किया जा सकता है बाय यूजिंग द टेक्निक एंड अल्कोहल में बेंजीन कंटेंट कितना प्रेजेंट है वो भी आप इस टेक्निक की हेल्प से चेक कर सकते हो इसके अलावा बायोकेमिकल बायोकेमिस्ट्री के अंदर अमाइनो एसिड्स वाइटामस प्रोटीन्स एंड एंटीबायोटिक्स के डिटमिनेशन के लिए भी इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जा सकता है और टर्बिडिडीमेट्रिक टाइट्रेशंस जो हैं दे आर मेनली डन फॉर दी फ्लोराइड एंड द कैल्शियम ब्रोमाइड विद द सिल्वर एंड सल्फेट विद द बेरियम तो बेरियम और सल्फेट के बीच में ब्रोमाइड और सिल्वर के बीच में या फ्लोराइड और कैल्शियम के बीच में आप टर्बिडीमेट्रिक टाइट्रेश को परफॉर्म करके भी कॉन्सेंट्रेशन पता लगा सकते हो और फाइनली जो हाई पॉलीमर्स हैं उनका जो मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन भी इस टेक्निक की हेल्प से किया जा सकता है सो दीज आर दि फ्यू अप्लीकेशंस फेयर वी कैन यूज द टेक्निक सो दिस इज द रेफरेंसेज फॉर फर्दर स्टडी स्टडीज थैंक यू